नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सिमो और टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ऑक्सिमो और टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ऑक्सिमो और टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ऑक्सिमो और टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ऑक्सिमो एक ब्रांड नेम है। ऑक्सिमो और टैबलेट के अंदर दो एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ऑक्सिमो और टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन सेफिक्सिन 200 mg और ओफ्लोक्सासिन 200 mg होता है। ऑक्सिमो और टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। ऑक्सिमो और टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर ऑक्सिमो और टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर ऑक्सिमो और टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर ऑक्सिमो और टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर ऑक्सिमो और टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ऑक्सिमो और टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ऑक्सिमो और टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी होना, चक्कर आना, भूख कम लगना, मुँह का स्वाद खराब होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स ऑक्सिमो और टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सिमो और टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ऑक्सिमो और टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ऑक्सिमो और टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। ऑक्सिमो और टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सिमो और टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ऑक्सिमो और टैबलेट को लेने के बाद और ऑक्सिमो और टैबलेट को लेने से पहले 2 घंटे तक पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने वाली एंटासिड दवाओं और आयरन सप्लीमेंट्स के साथ ऑक्सिमो और टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। ऑक्सिमो और टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने ऑक्सिमो और टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक ऑक्सिमो और टैबलेट को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और ऑक्सिमो और टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसलिए ऑक्सिमो और टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने ऑक्सिमो और टैबलेट को लेने की सलाह दी है। ऑक्सिमो और टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर, प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में ऑक्सिमो और टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ऑक्सिमो और टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ऑक्सिमो और टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ऑक्सिमो और टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।